जी 9th क्लास की बायोलॉजी की पेरिंग स्कीम है, और इसके साथ मैं आपके साथ कंप्यूटर भी साथ डिस्कस करूंगा। बायोलॉजी में जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है 1, 9, 3 और 7 और 4 और 8 चैप्टर है, इसके आपको लॉन्ग वीडियो भी हमारी ही यूट्यूब के चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। 9th क्लास के इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर के नाम से प्लेलिस्ट मौजूद है। आए आज के 2024 की जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की उसमें डिस्कस करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नौ चैप्टर है इसके। पहले में 2 MCQs और 7वें और 8वें में 2 MCQs आएंगे, बाकी सब में एक एक MCQs आएगा। अब तीन तीन शॉर्ट क्वेश्चन जो है, 1 में 2 में पहले और दूसरे से 3 और 8वें चैप्टर से 3 MCQs, 5वें चैप्टर से 2, 5वें चैप्टर से 4 MCQs शॉर्ट क्वेश्चन। दोबारा सुन लें जी, पहले और दूसरे 8वें से तीन तीन शॉर्ट क्वेश्चन और 5वें चैप्टर से 4 शॉर्ट क्वेश्चन, बाकी सब में दो दो शॉर्ट क्वेश्चन आपके आएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए पहला चैप्टर का ए पार्ट और 9वें चैप्टर का बी पार्ट या 4थे चैप्टर का बी पार्ट बनता है। दूसरा जो तीसरे चैप्टर का ए पार्ट और 7वें 7 चैप्टर का बी पार्ट बनता है, और इसमें जो है चौथा जो इसका तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन आता है उसमें 4 का ए पार्ट और 8 का बी पार्ट बनेगा। तो आप इसको ट्राई करें, इसको इन्हीं चैप्टर्स को रेडी कर लें, इन्हीं में से लॉन्ग आएंगे, मे भी ऊपर नीचे हो जाए। लास्ट टाइम तो 1 और 4 के साथ आया था, 3 और 7 के साथ आया था, 4 और 1 और 4, 9 और 8 का कंबाइन लॉन्ग आया था। तो बस जी इसको आप ट्राई कर लें, बाकी इंशाल्लाह। अब कंप्यूटर की बारी बता देता हूँ, इसके तो है ही 5 चैप्टर और नई जो बुक है इसके लिहाज से बता रहा हूँ, क्योंकि इसके अभी शॉर्ट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस आपको वीडियो में मिल जाएंगे। इसके 5 चैप्टर्स हैं, 5 चैप्टर्स में से पहला और दूसरा और तीसरा जो चैप्टर है, पहला और दूसरे में 2 और 3 MCQs और उसमें 4 चार, पहले 4 चैप्टर में हर एक में चार चार शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। 5वें चैप्टर से सिर्फ 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और 2 ही MCQs हैं। अगर आपको पहला तीसरा और चौथा चैप्टर आता है तो आप आसानी से लॉन्ग भी कर सकते हैं। तो इसमें मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आपको आज भी तैयारी कोई नहीं है तो पहला तीसरा और चौथा चैप्टर कर लें, या पहला और तीसरा भी कर लें तो आप पास हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।